गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ प्योर कल्चर. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेन्स एंड स्टेनिंग. सो वॉट इज मीन बाय स्टेन? स्टेन आर अ डाइज और रिएजेंट यूज फॉर कलरिंग बैक्टेरिया और अदर माइक्रोब्स इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देम मोर क्लियरली अंडर अ माइक्रोस्कोप. स्टेन क्या है? ऐसा डाई है और ऐसा कलरिंग रिएजेंट है वो यूज़ होता है कलरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देम मोर क्लियरली अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हम बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को स्टेन करते हैं. स्टेन यानी डाइज और रिएजेंट, कलरिंग रिएजेंट उसमें ऐड करते हैं, उसको ही बोलते हैं हम स्टेन. स्टेन यानी क्या? डाइज और रिएजेंट्स यूज फॉर कलरिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व देम मोर क्लियरली अंडर अ माइक्रोस्कोप. दे सिंस माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज द माइक्रोब्स, दे कैन बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी एंड रिएक्शन टू स्टेनिंग एजेंट्स विच सर्व्स एज अ एसेंशियल इक्विपमेंट इन अ स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोस्कोप क्या करता है? मैग्नीफाई द माइक्रोब्स, यानी कि जो हम नेकेड आई से देख नहीं पाते वो हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं. जो स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप में लार्ज, उसकी इमेज लार्ज होकर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. देन देयर एग्जामिनेशन इज डन इन बोथ इन लिविंग अनस्टेन किल्ड एंड स्टेन प्रिपरेशन. देन पर्पजेस ऑफ स्टेन. सो स्टेनिंग क्यों करते हैं हम, उसका पर्पस क्या है वो हम जानेंगे. तो फर्स्ट पर्पस है फॉर अ स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर. जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने के लिए हम स्टेन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में, अंडर माइक्रोस्कोप हम उसे ऑब्जर्व करते हैं. तो फर्स्ट पर्पस है हमारा फॉर अ स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट पर्पस है टू डिफ्रेंशिएट देम, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको डिफरेंशिएट करते हैं. अगर कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहा या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहा तो स्टेनिंग के द्वारा हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं. एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहा या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, उसे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो सेकंड पर्पस क्या है? टू डिफरेंशिएट द देम, या फिर कोई भी बैक्टीरिया उसको हम डिफरेंशिएट करते, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गया, उसको भी डिफरेंशिएट करते, या फिर एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो गया या फिर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा, उसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं. देन नेक्स्ट पर्पज इज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो रही है या फिर उसकी ग्रोथ कैसे चल रही है वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन. सो दैट द अदर अन सो दैट अदर अनइनहिबिटेड ऑफ मे बी स्टडीज, फॉर एग्जाम्पल ब्रिलियंट ग्रीन इनहिबिटेड इसरिशा कोलाय इन अ मीडियम बट नॉट साल्मोनेला स्पेसिस. देन वी डिस्कस द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डाइज एंड स्टेन. सो द डाइज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमेटोफोर ग्रुप. दिस ग्रुप आर लिंक्ड टू बी बेंजीन रिंग. सो द डाइज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड मेड अप ऑफ टू ग्रुप्स, दैट इज द ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर एंड विच इज लिंक बाय द बेंजीन रिंग. देन डाइज इज यूज फॉर कलरिंग नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. जो डाइज है वो यूज़ होता है कलरिंग द नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. जो नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है डाइज क्या करता है? उसको कलर करता है. ये हो गया डाइज. डाइज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड विच इज मेड अप ऑफ टू ग्रुप्स, दैट इज द ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर एंड विच इज लिंक बाय द बेंजीन रिंग. देन स्टेन. सो वॉट इज स्टेन? स्टेन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर ग्रुप. वो भी स्टेन क्या है? वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दोनों ग्रुप कंटेन करता है. कौन सा? ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर. देन स्टेन आर बेसिकली यूज फॉर कलरिंग बायोलॉजिकल एजेंट. डाई क्या करता है? कौन से
ऑब्जेक्ट कलर करता है नॉन बायोलॉजिकल, और स्टेन क्या करता है बेसिकली यूज फॉर कलरिंग द बायोलॉजिकल एजेंट, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है उसको कलर करता है, कौन स्टेन। ये हो गया डिफरेंस ऑफ बिटवीन द डाइज एंड स्टेन। देन क्रोमोफोर यानी क्या, क्रोमोफोर यानी कलर ग्रुप, जो कोई भी कलर ग्रुप होता है उसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। और विच कलर ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक कलर प्रोडक्शन, जो कलर ग्रुप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक कलर प्रोडक्शन का, एखादी कलर प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट इज यूनिट्स विद द माइक्रोब्स टू बी स्टेन थ्रू अनादर मोइटी ऑफ डाई आर नोन एज अ ऑक्सोक्रोम। देन टू टाइप्स ऑफ ऑक्सोक्रोम, दैट इज द बेसिक एंड एसिडिक। क्रोमोफोर क्या है, कलर ग्रुप है, ठीक है, वो कलर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल रहता है स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करने में, ठीक है। वेन इट इज यूनिट विथ अ माइक्रोब्स टू स्टेन थ्रू अनादर मॉइटी ऑफ डाई आर नोन एज ऑक्सोक्रोम, उसी को क्या बोलते हैं हम ऑक्सोक्रोम। देन ऑक्सोक्रोम के टू टाइप्स है, फर्स्ट इज बेसिक एंड सेकेंड इज एसिडिक। Then, in staining, in order to render the color fast or increase the retention ability of color, a mordant is used such as a Lugol solution. Lugol solution यानी क्या, उसमें होता है iodine in potassium iodide, ferrous sulfate, tannic acid, etc. Lugol solution एक ऐसा सॉल्यूशन होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट रहता है, फेरस सल्फेट प्रेजेंट रहता है एंड टैनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हमारा स्टेनिंग। देन इन जनरल स्टेन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड एंड फिल्टर्ड अल्कोहलिक और एक्वास सॉल्यूशंस। वेरियस कॉमनली यूज टेक्निक आर डिस्क्राइब बिलो। सो फर्स्ट टेक्निक है इज अ ग्राम स्टेनिंग, सेकंड स्टेनिंग इज अ एसिड फास्ट स्टेनिंग, देन ए इंडोस्पोर स्टेनिंग, देन कैप्सूल स्टेनिंग एंड लास्ट इज अ वॉल्यूटन ग्रैनुल स्टेन। तो फर्स्ट वी डिस्कस द ग्राम स्टेनिंग। सो द ग्राम स्टेनिंग इट इज अ सिंपल वेरी यूजफुल एंड कॉमनली यूज डिफरेंशियल स्टेनिंग। क्या है ये ग्राम स्टेनिंग, क्या है, सिंपल है, वेरी यूजफुल एंड कॉमनली यूज टू डिफरेंशिएट स्टेन। देन व्हाइल डिफाइनिंग स्पेसिस इट्स रिएक्शन टू दिस स्टेन हैज़ टू बी इंक्लूडेड। द प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग की, फर्स्ट पॉइंट है अ थीन फिल्म ऑफ टेस्ट बैक्टेरियम दैट इज अ स्मीयर is fixed on a clean slide using a adequate aseptic precaution with a nichrome wire loop. So firstly क्या करना है, हमें एक clean slide लेनी है, उसके ऊपर हम एक smear बनाएंगे। smear यानी क्या, layer of bacteria prepared on slide, यानी कि जो microbes culture होता है bacteria का वो हम लेंगे निक्रोम वायर की हेल्प से स्लाइड पर विथ डिस्टिल वाटर, और उसका एक डिस्टिल वाटर के यूज से हम उसका एक स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मीयर दस प्रिपेयर इज हीट फिक्स बाय पासिंग द स्लाइड ऑन द फ्लेम फॉर 2-3 मिनट्स। वेयर एवर हीट फिक्सेशन इज नॉट डिजायरेबल द स्मीयर इज डीप इन अल्कोहोल एंड देयर बाय फिक्सेशन इज अचीव। हीट फिक्सेशन एट अ टाइम डिस्टर्ब्स द माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट फिक्सेशन। तो फर्स्टली क्या किया हमने, स्मीयर प्रोड्यूस किया क्लीन स्लाइड पर। देन क्या करना है, द स्मीयर कैसे प्रोड्यूस करें, यानी कि कैसे प्रिपेयर करें, तो हीट फिक्स बाय द पासिंग द स्लाइड ऑन अ फ्लेम फॉर 2-3 मिनट्स। हीट फिक्स करना है, यानी कि प्रॉपरली हीट नहीं करना है उसको, हीट फिक्स करना है बाय द फ्लेम फॉर 2-3 मिनट्स के लिए। देन हीट फिक्सेशन इज नॉट डिजायरेबल द स्मीयर इज डीप ऑन अल्कोहोल। स्मीयर को डिप करना है अल्कोहल में एंड देयर बाय फिक्सेशन इज अचीव। हीट फिक्सेशन एट अ टाइम्स डिस्टर्ब्स द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट फिक्सेशन।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मियर इज स्टेन फर्स्ट विथ एनी एनिलिन डाई सच एज अ जेंटियन. जो हमने स्मियर लिया है स्लाइड पर वो क्या करना है, फर्स्टली एनी एनिलिन डाई का उसके ऊपर स्मियर करना है सच एज अ जेंटियन. देन जेंटियन वॉयलेट या फिर मिथिल वॉयलेट और क्रिस्टल वॉयलेट बाय इमर्सिंग द स्मियर पोर्शन ऑफ द स्लाइड इन अ स्टेन फॉर अबाउट 2 मिनट्स. क्या करना है हमें, फर्स्टली क्या करना है, स्लाइड के ऊपर क्लियर स्लाइड के ऊपर हमें स्मियर लेना है, बैक्टीरियम स्मियर लेना है. उसके बाद हमें स्टेन करना है. स्टेन किससे करेंगे हम, मिथिल वॉयलेट और क्रिस्टल वॉयलेट से बाय इमर्सिंग द स्मियर पोर्शन ऑफ द स्लाइड इन ए स्टेन फॉर अबाउट 2 मिनट्स के लिए हमें उसे स्टेन करना है. उसके बाद एक्सेस स्टेन इज रिमूव बाय वॉशिंग इन अ रनिंग टैप वाटर. 2 मिनट के लिए हमें स्टेन करना है. स्टेन के बाद क्या करना है, हमें वॉश करना है रनिंग टैप वाटर से. हमें वॉश करना है, वॉशिंग ऐसा देना है कि वो पूरा स्मियर निकलना ना जाए. ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें वाटर उस पर ऐड करके हमें उसे वॉश करना है स्लाइड को. देन द स्लाइड इज देन इमर्स इन अ मॉडर्न दैट इज द ल्यूगल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम आयोडीन एंड 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इन अ 300 ml डिस्टिल्ड वाटर विथ अ अल्कलाइन रिएक्शन फॉर अबाउट 2 मिनट्स फॉर टू फिक्स द कलर. देखो नेक्स्ट क्या करना है, वॉश करने के बाद क्या करना है, द स्लाइड इज देन इमर्स इन अ मॉडर्नट. मॉडर्नट यानी क्या, वो स्लाइड इमर्स करनी है मॉडर्नट में. मॉडर्नट यानी क्या, ल्यूगल सॉल्यूशन. ल्यूगल सॉल्यूशन यानी क्या, उसका प्रिपरेशन बताया इसमें. कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ आयोडीन यानी 1 ग्राम आयोडीन लेना है आपको. देन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेना है इन 300 ml डिस्टिल वाटर विथ अ अल्कलाइन रिएक्शन. ये हो गया हमारा ल्यूगल सॉल्यूशन फॉर अबाउट 2 मिनट्स टू फिक्स द कलर. यानी इमर्स करना है मॉडर्नट में फॉर 2 मिनट्स टू फिक्स द कलर. देन द स्लाइड इज नाउ वॉश इन 98% अल्कोहल टिल नो कलर इज रिमूव फ्रॉम द स्लाइड्स. देन क्या करना है, इमर्स किया मॉडर्नट में. उसके बाद हमें स्लाइड इज नाउ वॉश इन 98% ऑफ अल्कोहल. स्लाइड को हमें वॉश करना है 98% अल्कोहल से. देन नो कलर इज रिमूव फ्रॉम द स्लाइड इफ द बैक्टीरिया आर कंप्लीटली डिस्टेन. डिस्टेन यानी लॉस कलर. इन दिस स्टेप दे वुड बी ग्राम निगेटिव. देखो इसमें क्या बताया, अगर 98% अल्कोहल से हमने स्लाइड वॉश की, अगर उसमें डिस्टेन हुआ, कोई भी कलर उसमें प्रेजेंट नहीं रहा, तो वो हमारा क्या हो गया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. हाउएवर इफ दे रिटेन कलर डिस्पिट द ट्रीटमेंट दे वुड बी कंसिडर ग्राम पॉजिटिव. देखो पहले हमने क्या किया, स्मियर लिया स्लाइड पे. स्लाइड में स्मियर लेने के बाद हमने उसको क्रिस्टल वॉयलेट और मिथिल वॉयलेट से इमर्सिंग किया इन अ पोर्शन ऑफ द स्लाइड इन अ स्टेन फॉर अबाउट 2 मिनट्स तक हमने इमर्शन किया. उसके बाद एक्सेस स्टेन रिमूव करने के लिए हमने वॉश किया. वॉश के बाद हमें इमर्स किया इन अ मॉडर्नट में. देन उसके बाद अगेन वॉश किया 98% अल्कोहल में. उसके बाद अगर उसमें ऑब्जर्व हुआ नो कलर इज प्रेजेंट विच इज़ अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अगर थोड़ा सा भी स्टेन रहा, कलर का डिस्पिट रहा उसमें इन दिस ट्रीटमेंट, देन वी कंसिडर एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. देन लास्ट स्टेप इज फाइनली द स्लाइड इज इमर्स इन अ 0.2% aqueous solution of safranin so that the gram negative bacteria which have lost the color during distaining may show up a pink object under a microscope. ठीक है, finally the slide is immersed in a 0.2% aqueous solution of safranin. उसके बाद हमें तो पता चल गया कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है. देन उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, स्लाइड इमर्स करनी है 0.2% एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ सैफ्रानिन. देन सो दैट द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया विच हैव लॉस्ट द कलर, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया विच हैज यानी कि वो अपना कलर लॉस्ट कर देगा. देन ड्यूरिंग द डिस्टेनिंग में शो
एज अ पिंक ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। देन हमने अगर उसमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो पिंक कलर का बैक्टीरिया हमें शो करेगा। द ऑर्गेनिज्म आर ऑब्जर्व अंडर अ ऑयल इमर्शन लिस्ट। ये हो गया हमारा ग्राम स्टेनिंग। देन नेक्स्ट इज अ एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग इट इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड विच इज अ डिफरेंशिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म द एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड नॉन एसिड फास्ट। क्या है एसिड फास्ट स्टेनिंग? क्या है डिफरेंशियल स्टेनिंग? है यानी कि क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग में। देन इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इन विच स्पेशल स्टेनिंग आर यूज दैट इज अ कार्बोल फ्यूशी। स्पेशल स्टेनिंग यूज होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग में, दैट इज द कार्बोल फ्यूशिन। देन इट इज अ डिफरेंशियल स्टेन दैट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ स्टेन सेल। वो क्या मेजर करता है, ये क्या है डिफरेंशियल स्टेन है, मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ स्टेन सेल टू डीकलराइजेशन बाय एसिड। मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ स्टेन सेल टू डीकलराइजेशन बाय एसिड्स। देन द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड फास्टनेस इज कोरिलेटेड विथ लिपिड कंटेंट ऑफ बैक्टीरिया। जो प्रॉपर्टी होती है एसिड फास्टनेस की, ये कोरिलेटेड होती है लिपिड कंटेंट ऑफ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में। देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसिड अल्कोहल रस्टीनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरिया स्पेसीज, हेंस इट इज यूज एज अ डायग्नोस्टिक एड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज। द एसिड फास्ट method is also known as Zeil-Nielsen's acid fast staining method is mostly common used. Zeil-Nielsen acid fast method is mostly commonly used. हम करते हैं a smear is prepared. तो इसकी procedure हम देखेंगे acid fast staining की। तो first step is a smear is prepared from the given tubercle sputum and fixed by heat. स्मियर यानी क्या, स्मियर कैसे लेते हैं हम, लेयर ऑफ बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड ऑन द स्लाइड विथ यूज ऑफ अ डिस्टिल्ड वाटर। ये फर्स्टली हमने लिया स्मियर, लिया स्लाइड पर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गिवन ट्यूबरकुलर स्पूटम एंड फिक्स बाय हीट, और उसे फिक्स किया बाय हीट से। देन द स्मियर वॉज स्टीम विथ अ Zeil-Nielsen कार्बोल फ्यूशन स्टेन। देन द स्मियर वॉज स्टीम। स्टीम कैसे करेंगे, बॉइलिंग वाटर, एक बीकर में हम वाटर लेंगे और उसको बॉइल करेंगे, और स्लाइड को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो बीकर पर एडजस्ट हो पाए, यानी कि दो हम कुछ भी रॉड रख के उस पर स्लाइड रख कर और नीचे से बॉइलिंग जो बीकर है उसमें वाटर है वो बॉइलिंग वाटर के ऊपर हम स्टीम कर सकते हैं। तो वो स्मियर की वो स्लाइड रख दी हमने बिकर पर। देन उसके बाद कार्बोल फ्यूशन स्टेन करना है फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप कार्बन फ्यूशन स्टेन उस पर इमर्स करना है, किस पर, स्लाइड पर। देन प्रिकॉशन वेयर टेकन टू अवॉइड द बॉइलिंग ऑफ स्टेन। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, जो हमने बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखा है तो वो हमारा जो स्मियर है वो बॉइल ना हो, ये प्रिकॉशन हमें लेनी है। देन द स्मियर इज डीकलराइज विथ 20% H2SO4 सोल्यूशन टिल द कलर ऑफ स्टेन सीजेस टू कम आउट। क्या करना है, बॉइलिंग प्रिकॉशन ली, प्रिकॉशन क्या है, टू अवॉइड अ बॉइलिंग ऑफ स्टेन, स्टेन का बॉइलिंग ना हो ऐसे हमें बॉइलिंग करना है या फिर स्टेन करना है। देन द स्मियर इज डीकलराइज विथ 20% H2SO4 सोल्यूशन से, वो जो स्मियर है वो डीकलराइज करना है 20% H2SO4 सोल्यूशन से। देन द स्लाइड इज देन वॉश एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्शन लिस्ट। देन स्लाइड वॉश करना है, वॉश कैसे करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, टैप वाटर डालकर हमें उस स्लाइड को वॉश करना है। देन फाइनली ऑयल इमर्शन लेंस में हमें ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप। देन द ट्यूबरकल बैसिली आर स्टेन रेड वेयर एज अ बैकग्राउंड आर
ब्लू आर जो ट्यूबरकल बैसिली है उसका स्टेन कौन सा आएगा, रेड कलर का आएगा और बैकग्राउंड ब्लू कलर का आएगा। और जो नॉन एसिड बैसिली है आर स्टेन ब्लू। नॉन एसिड बैसिली का स्टेन कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा और ट्यूबरकल बैसिली है उसका स्टेन रेड रहेगा और बैकग्राउंड ब्लू कलर का रहेगा। ये हो गया हमारा एसिड फास्ट स्टेन। सो अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सर्टन स्ट्रक्चरल स्टेनिंग प्रोसीजर्स which help in a diagnosis of disease are also carried out. Few of them are listed. So first is endospore stain. So what is the endospore staining? Endospore yani kya? Resistant spore of bacteria. ये क्या है? Resistant spore of bacteria है. Bacteria के अंदर बनाया जाता है उसमें क्या होता है, bacteria के अंदर इसमें बनाया जाता है। इंडो मीन्स क्या, अंडर, एंड स्पोर मीन्स द रेजिस्टेंस स्पोर टू द बैक्टीरिया। अलग नज़र आता है एंड इंडोस्पोर अलग नज़र आता है। इसमें ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडोस्पोर में क्या होता है, स्पोर अलग नज़र आता है और इंडो अलग नज़र आता है। डिफरेंशिएट इंडोस्पोर ग्रीन कलर, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है इंडोस्पोर का तो इंडोस्पोर कैसे कौन से कलर में आते हैं, ग्रीन कलर में, और बैक्टीरियल सेल पिंकिश और रेडिश कलर में। ये हो गया हमारा इंडोस्पोर स्टेनिंग, यानी कि क्या होता है इंडोस्पोर स्टेनिंग। देन बैक्टीरियल इंडोस्पोर आर अ स्मॉल ओवल और स्पेरिकल स्ट्रक्चर दैट आर अ वेरी रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर रेडिएशंस डेसिकेशन एंड केमिकल एजेंट्स एज अ डिसइनफेक्टेंट्स। सो द बैक्टेरियल इंडोस्पोर क्या है, स्मॉल है, ओवल शेप का है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है उसमें और दे आर अ वेरी रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर विच इज़ अ रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर रेडिएशंस एंड डेसिकेशन, डेसिकेशन यानी ड्राइनेस, एंड केमिकल एजेंट्स एज अ डिसइनफेक्टेंट। देन स्पोर्स आर डिफिकल्ट टू गेट अ डिकलराइजेशन। इन दिस प्रोसीजर द प्राइमरी स्टेन मैलेटिन ग्रीन इज अप्लाइड टू हीट फिक्स मियर एंड जेंटली हीटेड टू स्टीमिंग टू इन्हांस पेनिट्रेशन ऑफ डाई इन टू द रिलेटिवली इम्परमिएबल स्पोर कोट। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें स्मियर लेना है स्लाइड पर और उसके बाद प्राइमरी स्टेन डालना है मैलेटिन ग्रीन करके, अप्लाइड टू हीट फिक्स मियर यानी कि जो स्मियर है उसको हीट फिक्स करना है। देन जेंटली हीटेड टू स्टीमिंग टू इन्हांस पेनिट्रेशन, जेंटली हीट करना है स्टीमिंग, फॉर किसके लिए स्टीमिंग करना है, इन्हांस द पेनिट्रेशन ऑफ डाई, पेनिट्रेशन इंक्रीज करने के लिए हमें स्टीमिंग करने इन टू द रिलेटिवली इम्परमिएबल स्पोर कोट। स्टीमिंग वॉज कंटिन्यू फॉर अबाउट 10 मिनट्स, स्टीमिंग कंटिन्यू करना है 10 मिनट्स तक। देन नेक्स्ट द वॉश टेप इज रनिंग वॉटर मेनली रिमूव द मेलेटिन ग्रीन फ्रॉम द सेलुलर पार्ट अदर दैन द स्पोर्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज वॉश टेप। वॉश टेप में क्या करना है, हमें वो जो हमने स्टेन डाला था मेलेटिन ग्रीन वो हमें वॉश करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालकर हमें उसको वॉश करना है। इसके बाद क्या होगा, फ्रॉम सेलुलर पार्ट अदर दैन द स्पोर्स। देन ड्यूरिंग स्टीमिंग केयर वॉज टेकन टू दैट द स्टेन वॉज नॉट ड्राई। ड्यूरिंग स्टीमिंग जब हम स्टीमिंग करते हैं तो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेनी है या फिर केयर क्या लेनी है, जो स्टेन है वो ड्राई नहीं होना चाहिए एंड जो ऑन द स्लाइड एंड द पीपीटी नॉट फॉर्म एंड पीपीटी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। जो स्टेन है वो भी ड्राई नहीं होना चाहिए एंड पीपीटी भी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये हमें स्टीमिंग जब हम करते हैं तो वहाँ हमें प्रिकॉशन लेनी है, केयर लेनी है। देन द स्मियर वॉज काउंटर स्टेन विथ सैफ्रनिन फॉर अ 40 सेकंड। देन वॉश के बाद क्या करना है, स्मियर वॉज काउंटर स्टेन, प्राइमरी स्टेन करने के बाद हमें काउंटर स्टेन करना है सैफ्रनिन से
फॉर अ 40 सेकंड, देन वॉश एंड ऑब्जर्व अंडर अ ऑयल इमर्शन लेंस, देन अगेन वॉश करना है डिस्टे, यानी कि टैप वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर उसको स्लाइड पर डालकर हमें उसे वॉश करना है, देन फाइनली हमें इमर्शन ऑयल इमर्शन लेंस में ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप। द इंडोस्पोर आर स्टेन ग्रीन इन अ कलर, जो इंडोस्पोर होते हैं वो स्टेन ग्रीन कलर के होते हैं, उसका स्टेन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एंड द वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ सेल एंड जो अदर पार्ट ऑफ सेल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो रहता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो कौन से कलर के आएंगे, पिंक या रेडिश इन कलर। ये हो गया हमारा इंडोस्पोर स्टेन। इंडोस्पोर स्टेन यानी क्या, इंडोस्पोर स्टेन में क्या करते हैं हम, पहले एक स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पर, क्लियर स्लाइड पर, देन उसको प्राइमरी स्टेन करते हैं। प्राइमरी स्टेन किससे करते हैं, मैलेचिट ग्रीन से, मैलेचिट ग्रीन से हम प्राइमरी स्टेन करते, उसको हीट फिक्स करते स्मीयर को, देन उसके बाद उसको वॉश करते हैं विथ टैप वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करके हम उसे वॉश करेंगे, देन उसके बाद काउंटर स्टेन विथ सैप्रानिन फॉर 40 मिनट्स काउंटर स्टेन करेंगे विथ सैप्रानिन से फॉर 40 सेकंड, देन अगेन वॉश, देन फाइनली ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप अंडर द ऑयल इमर्शन लेंस। देन द जो इंडोस्पोर होते हैं वो ग्रीन कलर के ऑब्जर्व होते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड द वेजिटेटिव पोर्शन जो अदर पार्ट होता है इंडोस्पोर का, वो स्टेन करता है पिंक और रेडिश कलर का। ये हो गया हमारा इंडोस्पोर स्टेन। देन नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल स्टेन। So the cap in capsule staining, what is the capsule? Capsule yani ke capsule is the outer covering of bacteria of extreme condition of surrounding. Capsule kya hai? Outer covering of bacteria of the extreme condition of surrounding. For example, हम घर में रहते हैं तो घर क्या हो गया हमारा आउटर कवरिंग, हमारा आउटर कवरिंग हो गया जो हमें सराउंडिंग से बचाता है, धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है, बाकी चीज़ों से, इन्वायरमेंट से बचाता है, ये सब क्या हो गया हमारा आउटर कवरिंग ऑफ, यानी कि हमारा आउटर कवरिंग हो गया। तो कैप्सूल क्या है, बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग है। सो द परफॉर्म बाय Anthony's modification of his method, the procedure was originally designed to stain the capsule of Klebsiella pneumonia, causative agent of pneumonia. Klebsiella pneumonia क्या है, causative agent of pneumonia. Pneumonia का causative agent क्या है, Klebsiella pneumonia. This method now can be applied to wide range of organism and elements. Steaming in a earlier his method. Air dried film are stained by 1% crystal violet for 1 minute. Air dried film are stained. जो air dried film होती है वो stain करते हैं हम 1% crystal violet से for 1 minute तक. Then the slide is gently washed with 20% sulfur copper sulfate से. हम अभी तक वॉश किससे करते थे, टैप वाटर से, बट कैप्सूल स्टेनिंग में हम वॉश किससे करेंगे, 20% कॉपर सल्फेट से, टू रिमूव द एक्सेस डाई इन अ कैप्सूल्स रिजल्टिंग इन अ स्टेनिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द कैप्सूल। जो रिजल्टिंग होता है स्टेनिंग का वो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द कैप्सूल। सिंपल है, फर्स्ट क्या करना है हमें, स्लाइड पर स्मीयर बनाना है, स्मीयर के बाद उसको एयर ड्राइड करना है, यानी कि एयर पर हम उसे वो स्मीयर को ड्राइड करेंगे। अब तक हमने क्या किया, हीट फिक्सेशन किया, बट यहाँ पर हीट फिक्सेशन नहीं करना है, एयर ड्राइड पर हम उस स्लाइड को ड्राइड करेंगे, उसके बाद स्टेन करना है बाय 1% ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 1 मिनट तक, देन उसके बाद हमें वॉश करना है, बट वॉश किससे करना है, टैप वाटर से नहीं, 20% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हमें वॉश करना है। हम वॉश क्यों करते हैं, टू रिमूव द एक्सेस डाई इन अ कैप्सूल, जो एक्सेस डाई होती है वो रिमूव करने के लिए हम वॉश करते हैं। देन द रिजल्टिंग इन द स्टेनिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द कैप्सूल्स। ये हो गया हमारा कैप्सूल स्टेनिंग।
देन हमारा लास्ट है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल स्टेन. वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल स्टेन इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ अल्बर्ट मेथड या फिर अल्बर्ट स्टेन. अल्बर्ट स्टेन इज अ डन टू आइडेंटिफाई कोरिनी बैक्टेरियम डायप्थेरिया. अल्बर्ट स्टेन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कोरिनी बैक्टेरियम डायप्थेरिया नाम का एक बैक्टेरिया रहता है, उसको आइडेंटिफाइड करता है. दिस स्टेन डिफरेंशियली स्टेन्स द मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स एंड साइटोप्लाज्मिक ऑफ दिस बैक्टेरियम. देन द अल्बर्ट्स मेथड वॉल्यूटिन ग्रैनुल्स और मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स और अर्नर्ट्स एंड बेबल्स ग्रैनुल्स और पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुल्स आर द टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स सर्व्स रिजर्व्स फूड मटेरियल. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन यानी क्या, रिजर्व फूड मटेरियल होता है फाउंड इन अ मेनी बैक्टीरिया विच इज अ फाउंड इन अ मेनी बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट रहते एज वेल एज इन अ सम फंगी अल्गी एंड प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट रहता है, फंगी में भी, अल्गी में भी एंड प्रोटोजोआ में भी प्रेजेंट रहता है. देन ऑकरेंस ऑफ दिस ग्रैनुल्स इन अ कोरिनी बैक्टेरियम स्पेसीज has got a medical importance. It is also occur in lactobacillus species. When these granules are stained with methylene blue, they appear red in color due to their metachromatic properties. Firstly, क्या करना है हमें, lactobacillus species when these granules are stained with methylene blue. Lactobacillus species का एक बैक्टीरिया लेना है, वो स्लाइड पर हमें स्मियर बनाना है. उसके बाद स्मियर बनाने के बाद हमें क्या करना है, मिथिलिन ब्लू से उसे स्टेन करना है. देन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आर टाइडली पैक इन अ ग्रैनुल्स देयर फॉर द ऑर्बिटल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप ऑफ डाई मॉलिक्यूल इज चेंज. दिस चेंज फाइनली कॉज चेंज इन अ लाइट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ डाई मॉलिक्यूल देयर फॉर ग्रैनुल्स अपियर रेड इवन थ्रू डाई यूज इज ब्लू. जो हमने डाई यूज़ किया है, मिथिलिन ब्लू यूज़ किया है, वो क्या करेंगे, हम ग्रैनुल्स पर डालेंगे, मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स पर डालेंगे. उसके बाद क्या करना है हमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आर टाइटली पैक इन अ ग्रैनुल्स, वो टाइटली पैक करने हैं ग्रैनुल्स में. देयर फॉर द ऑर्बिटल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप ऑफ डाई मॉलिक्यूल इज चेंज. जो ऑर्बिटल पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का क्रोमोफोर ग्रुप में का, वो क्या होता है, चेंज होता है. दिस चेंज फाइनली कॉज चेंज इन अ लाइट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ डाई मॉलिक्यूल देयर फॉर द ग्रैनुल्स अपियर रेड कलर. जो ग्रैनुल्स होते हैं वो रेड कलर के अपियर होते हैं इवन थ्रू द ड्राई यूज इज ब्लू. अगर हमने ड्राई यानी कि स्टेन कौन सा यूज़ किया, डाई कौन सा यूज़ किया, मिथिलिन ब्लू यूज़ किया, तो हमें ब्लू कलर ऑब्जर्व होना चाहिए. पर इसमें क्या होता है, वो ग्रैनुल्स के ऊपर रेड कलर ऑब्जर्व होता है. Then the Albert stain is acidic and contain a toluidine blue which is a basic stain. It is also has a malachite green which has a weak affinity towards the cell. Toluidine blue stain granules selectively but not a cytoplasm because granules are more acidic than a cytoplasm. Cytoplasm stains by malachite green. Iodide is used as a mordant and helps in a fixation of the stain. ये क्या हो गया हमारा staining and stain and stain. यहाँ पर chapter close होता है. Thank you.